بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज का हमारा वजीफ़ा उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए है जो किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, या उनकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, या किसी भी मुकदमे में फंसे हुए हैं, या कोई भी परेशानी है जिससे वो गुज़र रहे हैं और उसका हल उनको नज़र नहीं आ रहा. कोई भी मसला है, कोई भी बड़ी से बड़ी बात है, कुछ भी है ज़िंदगी में मसले मसाइल जो चल रहे हैं, उनका आपको हल नहीं मिल रहा. आप मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं. अब आपको मायूस होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मेरी कोशिश होती है कि ऐसे वज़ाइफ़ लेके आऊँ जो फ़ौरी असर रखते हों और जो करने में आसान हों. वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा. इस वीडियो को अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. हो सकता है कि वो भी आपकी तरह किसी मुश्किल या परेशानी से गुजर रहे हैं और उनका मसला या परेशानी हल हो जाए और उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले. सदका की नीयत से शेयर कीजिएगा, आपके लिए ये सदका जारिया का काम करेगी. वजीफ़ा आपको बता देती हूँ. आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए, आपका कोई भी काम रुका हुआ है, आप चाहते हैं कि वो हो जाए, आपने उस मकसद के लिए, जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करना है, बिस्मिल्लाह के अमल को करना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 मरतबा पढ़ना है. आपने 1,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 2 रकत नमाज हाजत पढ़ने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है. इसी तरह फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1,000 मरतबा पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है, 2 नफल पढ़ के. ये 2,000 हो गए. इसी तरह फिर आपने तीसरी मरतबा 1,000 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 2 नफल अदा करने हैं और अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है. इसको आपने 12,000 मरतबा पढ़ना है. इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे और आपकी जो भी हाजत है वो कबूल और मंजूर हो जाएगी. अगर वजीफ़े की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको दोबारा बता दिया जाएगा. जज़ाकल्लाह खैरा.